ये बात अगली खबर की। नर्मदा जयंती के मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा को 300 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। मां नर्मदा के नाभि स्थल हरदा जिले के हंडिया में कमल पटेल ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान कमल पटेल ने भजन कीर्तन भी किया। नर्मदा जयंती के मौके पर कमल पटेल ने नर्मदा तट पर भंडारे का आयोजन भी किया। कमल पटेल ने कहा कि मां नर्मदा समृद्धि और मोक्षदायिनी है। मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश भर में नर्मदा जयंती की धूम देखने को मिली। दो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां नर्मदा जयंती पर चुनरी यात्राएं निकाली गईं और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहली तस्वीर आपको अलीराजपुर की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर देपालपुर की है। ककराना गांव में मां नर्मदा को 521 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु नाव में बैठकर मां को चुनरी अर्पित करने नदी के पाट तक पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर देपालपुर से है जहां 501 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विशेष रूप से उज्जैन की प्रसिद्ध रमैया डमरू ताशा मंडली चुनरी यात्रा में शामिल हुई। इस ग्रुप ने चुनरी यात्रा में भक्ति के रंग का एक अलग ही समा बांध दिया।